मूर्ख नाई। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू नाम का एक कपड़े का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम उमा था। शंभू धनवान व्यक्ति था। उसका घर बड़ा और सुंदर था। शंभू दयालु था और उमा बुद्धिमान थी। शंभू और उमा गांव वालों को अपने घर बुलाकर उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उपहार देकर लोगों का स्वागत करते थे। उन्हें अनेक प्रकार का स्वादिष्ट खाना भी खिलाते थे। एक दिन शंभू ने उमा से कहा, देखो हमारे कितने मित्र और शुभचिंतक हैं। कल अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा तो ये लोग हमारी मदद करेंगे। शंभू, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। ये लोग हमारा आदर सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बिना किसी उम्मीद के उन्हें खाना खिलाते हैं और उपहार देते हैं। याद रखना, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ कोई नहीं देगा। ऐसा मत सोचो, ये अच्छे लोग हैं। उमा जानती थी कि शंभू उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन शंभू के गोदाम में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। शंभू ने अपना सब कुछ खो दिया। शंभू को जो लोग कच्ची सामग्री देते थे उनका बहुत सारा पैसा चुकाना था। शंभू अपने सारे दोस्तों के पास मदद मांगने गया पर सभी ने बहाना बनाकर उसे मना कर दिया और वो लोग उसे टालने भी लगे। क्या हुआ, क्या किसी ने हमारी मदद की? शंभू ने कहा, मेरे सारे दोस्त किसी ना किसी चिंता में हैं, इसलिए हमारी मदद नहीं कर पा रहे। उमा जानती थी कि शंभू के दोस्त सिर्फ बहाना बना रहे हैं। वो ये भी जानती थी कि शंभू उस पर विश्वास नहीं करेगा। लोगों के पैसे चुकाने के लिए शंभू को अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचना पड़ा। अब शंभू गरीब हो गया। वो और उमा छोटे से घर में रहने लगे। शंभू किसी के खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाने लगा। उमा ने भी अपने पति का साथ देने के लिए लोगों के घर खाना बनाना शुरू किया। दोनों बहुत मेहनत करते थे। अब शंभू दुखी रहने लगा। वो समझ गया कि उमा उसके दोस्तों के बारे में बिल्कुल सही कहती थी। वो लोग हमारे घर सिर्फ खाना खाने और उपहार लेने आते थे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अब मतलबी लोगों को भूल जाओ, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन वापस लौट आएंगे। पर शंभू बहुत परेशान था। मैं कितना मूर्ख था, मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेचारी पत्नी भुगत रही है। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या करूं? एक दिन शंभू सो रहा था। उसने एक आवाज़ सुनी, शंभू उठ जाओ, तुम कौन हो? मैं एक साधु हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम एक बुरे समय से गुजर रहे हो, आखिरकार ये बुरा समय खत्म होने वाला है। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगे? कल सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा। जब मैं घर के अंदर आऊँ, तुम लकड़ी लेकर मेरे सर के पिछले हिस्से को छूना। मेरा रूपांतर सोने के सिक्कों में हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी और साधु को लकड़ी से छुआ तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो।
अगली सुबह जब शंभू की नींद खुली, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। उसने अपनी खिड़की से कुछ साधुओं को देखा। मेरे सपने वाला साधु इनमें नहीं है। अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। सामने नाई खड़ा था। नाई ने कहा, आपने मुझे बाल काटने बुलाया है। जैसे ही शंभू बाल कटवाने नीचे बैठा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। उमा ने दरवाजा खोलकर कहा, साधु है। साधु? अरे जाओ जल्दी से लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी? अरे अब तुम्हें समझाने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। बाल कटवाना आधा अधूरा छोड़कर शंभू लकड़ी लेके साधु के पास गया। उसने साधु के सिर के पिछले हिस्से पर लकड़ी से स्पर्श किया और साधु का रूपांतर सोने के सिक्कों में हो गया। इतना सारा सोना? उमा, अब हम गरीब नहीं रहे। खुशी के मारे शंभू ये भी भूल गया कि वो नाई अभी भी उसके घर में है। नाई ने सब देखा। उसने सोचा, ये तो बड़ी आसान बात है, ऐसे तो मैं भी अमीर हो सकता हूँ। अगले दिन नाई साधुओं के निवास स्थल पे गया और उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया। साधुओं को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने नाई पर तरस खाकर निमंत्रण स्वीकार किया। साधु नाई के पीछे उसके घर गए। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, नाई ने दरवाजा बंद किया और लकड़ी लेकर साधुओं को मारने लगा। साधु मदद के लिए रोने लगे। गांव के लोगों ने साधुओं के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा तोड़कर साधुओं को बचाया। नाई के इस बर्ताव से गांव के लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने नाई की जम के पिटाई की। शंभू और उमा सब देख रहे थे। उन्हें नाई पर दया आ गई। नाई ने बिना पूरी बात जाने अनुकरण किया। उसने सिर्फ लकड़ी साधु के सिर के पिछले हिस्से को छूते ही सोना बनते देखा था। वो शंभू के सपने के बारे में अनजान था। नाई को उसके बर्ताव की सजा मिली। उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। शंभू और उमा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।